नमस्कार, NBC न्यूज में आपका स्वागत है। मैं नितिका शर्मा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। प्रदेश सहित प्रतापगढ़ जिले में विद्युत निगम द्वारा की जा रही कटौती से आमजन त्रस्त है। इसको लेकर आज प्रतापगढ़ में भाजपा जिला अध्यक्ष गोपाल कुमार के नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसान मोर्चा के पदाधिकारी मिनी सचिवालय पहुंचे, मिनी सचिवालय में प्रदर्शन किया। साथ ही राज्यपाल के नाम कलेक्टर सौरभ स्वामी को ज्ञापन सौंपा। किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष प्रेम सिंह झाला ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा की जा रही विद्युत कटौती का असर आम जन के साथ किसानों और छात्रों पर भी पड़ रहा है। वर्तमान में विद्यार्थियों को परीक्षाएं चल रही हैं, कटौती का कोई समय निर्धारित नहीं होने से छात्रों का बुरा हाल है। उनकी पढ़ाई चौपट हो रही है, उनका भविष्य अंधकार में होने का खतरा है, लेकिन प्रदेश सरकार कोई निर्णय नहीं ले पा रही है। किसानों के लिए भी ये कटौती मुसीबत बनी हुई है। राज्यपाल के नाम सौंपे गए ज्ञापन में प्रदेश सरकार को किसी निर्देश देने की मांग की गई है कि इस कटौती से प्रदेश के लोगों को राहत प्रदान करें और बिजली व्यवस्था को सुचारू रूप से प्रारंभ करें, जिससे लोगों की परेशानियां दूर हो सकें। झाला ने चेतावनी दी कि विद्युत व्यवस्था सुचारू नहीं होने पर भाजपा कार्यकर्ता सड़कों पर उतर कर विरोध प्रदर्शन करेंगे।